हेलो एवरीवन, साइमन दिस साइड। आज हम बात करेंगे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस फेल क्यों होता है और कब होता है। अब इसमें क्या चीज़ है कि आप कहीं से भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ट्रेनिंग लेते हो, सीखते हो, बट उसके बाद आपको पता ही नहीं होता कि एग्जैक्टली करना क्या होता है। आपने सीख तो लिया, बट वॉट नेक्स्ट, एक ही चीज़ है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए, या तो आपने कहीं से सीखा है या तो आप इस बिज़नेस में एंटर करना चाहते हो, उन लोगों के लिए है। और सेकेंड, उन लोगों के लिए भी है जिनका ऑलरेडी एक फर्म एस्टेब्लिश है, बट कहीं ना कहीं उनको ये नहीं पता कि एग्जैक्टली और बायर को कैसे कैप्चर करना है, मार्केट को कैप्चर कैसे करना है। तो उसके बारे में थोड़े से पॉइंट बताऊंगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सो दैट आई कैन क्रिएट मोर वीडियोज़ और मैं ऐसे वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। तो सो लेट स्टार्ट। देखिए, बिजनेस में आने से पहले आपको हमेशा पॉजिटिव तो सोचना ही है, बट नेगेटिव भी सोचेंगे। अब इसके में क्या क्या चीज़ें आती है उसके ऊपर ध्यान देते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हो एक्सपोर्ट की, इसमें मैक्सिमम पीपल आर ट्रेडर्स होते हैं, है ना, कि जो माल कहीं से लेते हैं गुड्स और उसके बाद रीसेल करते हैं। तो आपने कभी ये चीज़ सोची है क्या कि आप किसी से भी लेते हो, जैसे मैं राइस मिल करता हूँ, तो आपने कभी ये सोचा कि हाँ मुझे राइस एक्सपोर्ट में आना है या अदर किसी भी कम्युनिटी में, कि ये तो सप्लायर है या तो किसी फैक्ट्री में कोई भी प्रोडक्ट हो एक्स वाई जेड, तो उस फैक्ट्री से एक्चुअल रियलिटी ये है कि आपसे ज़्यादा उस सप्लायर को पता होता है, जो मैन्युफैक्चरर वो होता है, उनको आपसे ज़्यादा प्रोडक्ट नॉलेज होती है कि कौन से टाइम पे क्या चीज़ है, उसका पूरा प्रोडक्ट नॉलेज दे नो वेरी वेल। तो वो क्यों उस लेवल पे नहीं पहुंच पाते हैं? आई नो दे हैविंग अ मैन्युफैक्चरिंग प्लान, कि उनके पास इतना टाइम नहीं होता होगा, ये नहीं होता होगा, पेमेंट टर्म में अटकते होगे, बट आप खुद सोचो, आप न्यू कमर हो तो आपको पहले, सबसे पहले तो नॉलेज गेन करनी है। यहाँ पे आप लैक करते हो, आपने कहीं से भी रेट लिया, आपको किसी प्रोडक्ट का कोटेशन देना है या आप किसी चीज़ में एंटर कर रहे हो, आप डायरेक्ट क्या करते हो, मिल्स वालों को फ़ोन कर देते हो, वहाँ से रेट लेते हो, वहाँ पे कैलकुलेशन करके FOB CIF कॉस्ट आप दे देते हो। ये गलत तरीका है इनिशियल लेवल पे, आपको इसके ऊपर काम नहीं करना है। तो पहले ऑलवेज रिमेंबर कि आपको पहले नॉलेज गेन करनी है आपके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, कि जिस भी प्रोडक्ट में एंटर कर रहे हो वहाँ पे उसके लाइक स्वॉट एनालाइज करो, उसके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स देखो, इसके ऊपर वर्क करना है। ये नहीं करते तो बिजनेस फेल होता है फर्स्ट। दूसरा आता है कि आप सीखते लेते हो किसी से भी, आप कहीं से भी सीखते हो, विच इज़ अ गुड थिंग, अगेन रिपीटिंग, कि अच्छी बात है। बट आप सारा सीखने के बाद आपको ये, आप ये सोचते हो कि अब जब एक्चुअल में बिजनेस करने की बारी आती है ना, फिर आप बोलते हो कि लैक ऑफ मनी, कि पैसे नहीं है सर इतना बड़ा एक्सपोर्ट करने के लिए। तो ये रिकमेंडेशन होगा कि आप ऐसा मत करना कि कहीं से भी सीख लो डॉक्यूमेंट्स का, कि हाँ कहीं से वीडियोस वगैरह देख के मोटिवेट हो गए, बट उसके बाद आपको पता ही नहीं कि कहाँ से मिलना है। एडवांस मिलता है 50-50 या 80-80% एडवांस के मेरे पास भी, मैं दिखाऊंगा आपको, किसी को देखना है व्हाट्सएप पे आ जाइएगा, मैं अपने स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा कि ये इतना इतना एडवांस मैंने रिसीव किया है विद ओरिजिनल स्टैम्प, ऐसा भी नहीं है। तो आप जब काम करते हो ना, आपको ये पता होना चाहिए कि एक कंसाइनमेंट को कितना पैसा लगता है। आप इधर अनियन का कंसाइनमेंट कर रहे हो, आप राइस का कंसाइनमेंट कर रहे हो, मिक्स वेजिटेबल कंटेनर का कर रहे हो, तो इसका जाता है मतलब मोर देन 10 लाख, ठीक है। फिर जब आप एक्सपोर्ट में एंटर करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट बोलते हो कि इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा। तो आपको इस चीज़ के ऊपर सोचना पड़ेगा कि कोई भी बायर इनिशियल लेवल पे न्यू कमर को 10-20% के ऊपर नहीं देगा, तो बाकी का अरेंजमेंट आपको ही करना पड़ेगा। ये क्वाइट लाइक ऑब्वियस चीज़ है, तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो रिकमेंडेशन में ये रहेगा कि आप वो प्रोडक्ट चूज़ करो जिसका स्टार्टिंग है 50,000, तो 1 लाख में हो जाता है एक्सपोर्ट, अच्छा खासा एक्सपोर्ट हो जाता है। तो उन प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करो, ये सॉल्यूशन है इसका। और अगर वो भी नहीं कर सकते तो आपको एक्सपीरियंसेस गेन करने हैं, लोगों के साथ सीखना है कि एग्जैक्टली करते कैसे। डॉक्यूमेंटेशन सीखने में मत अटक जाना कभी भी, आपको वो चीज़ सीखना है कि मार्केट कैसे डेवलप करते हैं, मार्केटिंग स्किल्स देखना है, बायर्स फाइंडिंग का स्किल्स देखना, इन चीज़ों के ऊपर फोकस करो कि एग्जैक्टली क्या है। इंटर्नशिप करो किसी के पास, या तो ट्रेनिंग लो कहीं पे अच्छी जगह पे, कि हाँ किसी कंपनी में एज अ वो करो कि एक्सपीरियंसेस के लिए। अगर आपको डायरेक्ट एंटर करना है तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स है, नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में बताऊंगा कि एग्जैक्टली व्हाट विल बी योर फर्स्ट स्टेप। तो आप ये चीज़ समझना। सेकेंड, कि मनी इशू होता है तो आपको देखना कि आपको स्मॉल इन्वेस्टमेंट के साथ करना है। अगर उतना भी नहीं लगाना चाहते हो तो अब आपको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस में फ्रीलांसिंग करनी है, मतलब आप घर बैठे बैठे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के प्रोजेक्ट्स ले सकते हो, उस ये भी प्रोविजन है, बट आपको पता होना चाहिए कि वो प्रोजेक्ट्स कैसे उठाना होता है। तो सेकंड प्रॉब्लम ये। थर्ड आता है कि हम सीख तो लेते हैं बट हम कितना टाइम दे रहे हैं अपने बिजनेस के लिए। लाइक अब अगर आप घर पे भी हो या कहीं पे आप वर्किंग हो, या तो कुछ ओनर हो किसी कंपनी के, आप लाइक ऑलरेडी एक्सपोर्ट इंपोर्ट में फुल फ्लेज देना चाहते हो, तो एग्जैक्टली ये तो सोचो कि आप अपने खुद के बिजनेस के लिए कितना टाइम दोगे। एटलीस्ट दिन के 2 घंटे दे रहे हो, 3 घंटे दे रहे हो, 4 घंटे दे रहे हो। अब टाइम नहीं दोगे तो कैसे बायर मिलेगा?
ये नहीं कि डेटा बाय किया और कहीं से लाइक मेल्स आ गए लेकिन उनको मेल करना है फिर एक्सपोर्ट चल नहीं रहा है, ऐसा काम नहीं होता बॉस, ये आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद लोग क्या करते कि मेल करते रहते हैं। अब किसको मेल करना वो तो देखो, कॉन्टेक्टर्स में जाके इन्फो वाली ईमेल पे आईडी पे मेल करते रहेंगे, तो आप ये समझना कि वो ईमेल किसके पास जा रहा है, हु इज़ द राइट पर्सन। तो एटलीस्ट उसके ऊपर तो काम कीजिए आप कि किसको पहुंचाना है मेल। तो यहाँ पे आपका बिजनेस, आपको इंक्वायरीज आप मेल करते हो बट इंक्वायरीज जनरेट नहीं होती है, और मेल कैसे करना वो भी नहीं पता, तो यहाँ पे आप फेल होने के चांसेस है आपके, ठीक है। फिर ये नहीं पता है कि चलो मेल तो कर दिया बट अप्रोच किसको करना है। यूजुअली हम क्या करते हैं, फ़ोन करते हैं एंड डायरेक्ट डायरेक्ट हम ये बोलते हैं कि हाय आई एम कॉलिंग फ्रॉम इंडिया एंड वी आर डीलिंग इन टू, वी आर एक्सपोर्टर ऑफ दिस 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 प्रोडक्ट। ऐसा कौन क्यों सुनेगा आपका? फर्स्ट कॉल में आप अपने बारे में बताएंगे कि मैं इंडिया से बोल रहा हूँ, कि मैं इस प्रोडक्ट में डील करता हूँ। अरे मतलब ये सही तरीका नहीं है, समझना। अगर मुझे भी कोई कॉल करता है ये तो कोई, हम खुश हो जाते कि यार फॉरेन से कॉल आया, ऐसा वैसा। रियलिटी अलग है कि आपको कोई कॉल करके हाँ मैं ये करता हूँ ठीक है, वो भी बोलेगा अच्छा ठीक है दिखाओ तो प्रोडक्ट भेजो ये करो, ऐसे काम नहीं होता बॉस। फर्स्ट कॉल में क्या बातें के बातों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट उठाते नहीं कि हाँ मुझे अपने सेल आपके परचेज मैनेजर से बात करो, आपके सीईओ से बात करो, हाँ सर आई एम कॉलिंग फ्रॉम इंडिया इस प्रोडक्ट में डील करते हो तो आपकी ईमेल आईडी भेजो, मैं ये करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है। उसका भी प्रॉपर वे है करने का, ठीक। उसके बाद आप क्या करते हो कि जब आपको कुछ रास्ते मिलते ही नहीं है न्यू कमर्स को कि यार मिल ही नहीं रहा मिल ही नहीं रहा मिल ही नहीं रहा, तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट फिर दुबई की तरफ भागते हैं, सारे सारे दुबई की तरफ भागते हैं कि एक पेरिशेबल आइटम में आपको एजेंट्स मिलते हैं जो कमीशन बेसिस पे काम करते हैं, 5% कमीशन के ऊपर, और आप अपना पूरा माल क्रेडिट पर देते हो। जहाँ पे क्रेडिट पे गया आपको लॉस हो गया, आपने पूरा इन्वेस्टमेंट उनको क्रेडिट पर दे दी, लॉस मतलब चांसेस बहुत है लॉस होने के, क्योंकि उसके पीछे का भी स्टडी है कि कौन से कंट्री उस टाइम पे दुबई में क्या बेचता है। हर कोई मान लो अभी आप कभी भी देखोगे पेरिशेबल में सबसे पहले लोग अनियन में ही हाथ मारेंगे, लाइक कि अनियन ही एक्सपोर्ट करना है। बट आप ये भी तो देखो, जब प्याज जाता है इंडिया से तब अफगानिस्तान का प्याज, पाकिस्तान का प्याज, ये भी तो आते हैं वहाँ पे, तो कौन से टाइम कब भेजना है ताकि मार्केट डाउन ना हो, ये चीज़ें समझनी बाकी है। और एक सबसे लूफॉल्स मुझे क्या लगता है कि हम इंडियंस क्या करते हैं यूजुअली, जो ए नंबर का क्वालिटी का ग्रेड होता है ना, ए ग्रेड का फ्रूट्स वेजिटेबल की बात कर लेता हूँ दुबई, तो हम सारा दुबई वगैरह कंट्री में भेज देते हैं कि क्रेडिट पे ऊपर से कि ले लो और ये बढ़िया बढ़िया क्वालिटी का माल है, और वहाँ पर जाके पता चलता है कि रेट डाउन हो गया। तो ये सोचने वाली बात है बॉस कि आप अपने देश के एकदम बेस्ट क्वालिटी माल दे रहे हो वहाँ पे और वो भी लॉस खा के आ रहे हो, मतलब अपने इंडियंस को खाने को नहीं मिल रहा है वो लोकल मार्केट में, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे जाके पता चलता है कि अपने बेस्ट क्वालिटी का रेट हमको ही तोड़ के दे रहे हैं ताकि हम लॉस में आए। तो ये चीज़ें सही नहीं है कहीं ना कहीं, तो आपको चीज़ों के ऊपर सोचना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या है ये, ठीक है। अब हम क्या करते हैं जो न्यू कमर्स वगैरह जो होता है जिसको स्टार्ट करना है, वो ना अपना पूरा टाइम वेस्ट करता है जो ओल्ड मेथड्स है बायर्स फाइंडिंग में। जैसे ओल्ड मेथड्स की बात कैसे, जैसे इंडियन एम्बेसीज को मेल करना, सोशल मीडियाज़ पे आना, B2B साइट्स पे आना। अब बोलोगे बहुत सारे कि इंडियन एम्बेसीज का ओल्ड मेथड कैसा है, तो एक कॉमन सेंस वाली बात है कि आप अपने प्रोडक्ट के जो भी डेटा मांगोगे तो इंडियन एम्बेसी सेम डेटा सबको देता है, सबको वही HS कोड के डेटा सब जितने भी लोग मांगते हैं उनको प्रोवाइड कर देता है। तो आप उसमें से नया क्या कर रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो। और बायर फाइंडिंग्स के वही 10 पॉइंट है, आपको हर यूट्यूबर हर जगह पे वही चीज़ें मिलेगी। रियलिटी दुनिया इसके अलग है, वो मेरे सेशंस में बताता हूँ कि एग्जैक्टली क्या करता हूँ कि कैसे वे है, और पूरा सिखाता हूँ मैं वो चीज़ें। बट अभी वो समझने वाले पॉइंट है कि इंडियन एम्बेसी, सोशल मीडिया, ट्रेड शो का आप बात करते कि ट्रेड शो पे जाओ, आप कितनी बार जाओगे और कौन से ट्रेड शो पे? हर कोई आपको गल्फ फूड में लेके जाता है दुबई वाले में। अरे मेन बात तो वो है ना कि आप किसी फॉरेन कंट्री में जा रहे हो और कहीं USA में, LA में, आपका कहीं पे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे ट्रेड शो लग रहा है, वहाँ पे जाओगे भी तो कितने लोगों को मिलेंगे? तो वो सारा एक अरेंजमेंट और पूरे लोगों का डेटा कैसे लेना है वो सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद आप क्या करते हो, बार बार सप्लायर को कॉल करते हो, सप्लायर को बोलते आज का क्या रेट है, इसका क्या रेट है, उसका क्या रेट है, तो सप्लायर बोलेगा भाई आप इतने बार पूछ रहे हो क्योंकि आपको कोटेशन देना होता है, तो आप बार बार कॉल करोगे तो सप्लायर बोलेगा आप सिर्फ फ़ोन पे बातें करते हो बट लोगे कब ये बात। तो उसके चीज़ के लिए मार्केट में ऐसे बहुत सारे डेटा अवेलेबल है जहाँ पे आपको रोज़ के रोज़ रेट मिलते हैं, रोज़ के अवेलेबल है। बट दोनों प्रॉब्लम इज हम जहाँ पे भी सीखते हैं उनको खुद को नहीं पता होता है कि कहाँ से रेट निकालने होते हैं विदाउट कॉलिंग एनीवन, कि आपको फ़ोन करने की भी ज़रूरत नहीं है।
तो आप खुद भी तो इसके ऊपर सर्च करो कि कहाँ से मिलते रोज के रेट। ठीक, दूसरा एक पॉइंट आता है कि बिजनेस सक्सेसफुल क्यों नहीं होता है। आप उस दिखावा में चले जाते हो कि जहाँ पे पोर्ट विजिट, ये विजिट, आपको क्या जरूरत है? आप खुद सोचो कि उसके बाद तो आपको वहां पे जाने की जरूरत ही नहीं है। आपको ऐसे टूर मारने आप चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट रियलिटी समझो कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। ठीक, इवन आपको ये नहीं पता कि सीखना क्या है। ट्रेनिंग में हम किसके ऊपर फोकस करते हैं कि कस्टम क्लियरेंस के प्रोसीजर कैसा होता है, इंपोर्ट का प्रोसीजर कैसा होता है, फिर आपका बैंकिंग का प्रोसीजर कैसा होता है, ये क्यों सीख रहे हो? सीएचए का काम सीएचए करेगा, बैंकिंग का काम बैंकिंग करेगा, और बैंकिंग में आपको क्या सीखना होता है कि लेटर ऑफ क्रेडिट का, लेटर ऑफ क्रेडिट ऑलवेज आपको बायर देता है, आप नहीं बनवाते। आप एक्सपोर्टर हो तो लेटर ऑफ क्रेडिट आपको हमेशा बायर ही देगा, तो आप इतना डिटेल में क्यों सीख रहे हो वो चीज़ें? आपको सिर्फ ये सीखना है कि प्रोडक्ट नॉलेज लेना है, कौन से मार्केट में एंटर करना है, और हाउ टू फाइंड बायर्स फॉर योर बिजनेस। दिस इज द मेन फंडामेंटल कि तीन चीज़ों के ऊपर फोकस करो, अपने आप बाकी का चीज़ें होता रहेगा कि ये कंटेनर का ऐसा, ये वैसा, इतना वॉल्यूम है, इतना उसको प्रेशर, क्या कर रहे हो? मतलब ये चीज़ें नहीं है सीखने के लिए, इनिशियल लेवल की बात कर रहा हूँ। आपको हर चीज़ हर कोई नहीं कर पाएगा, इसके लिए सीएचए का काम कस्टम को उसको करने दो, बैंकिंग का काम आपको बैंक वालों को करने दो। आपको क्या है, प्रोडक्ट नॉलेज, कौन सा मार्केट में एंटर करना है, और सेकेंड और थर्ड वन है आपका बायर्स कैसे ढूंढना है। उसके बाद कहाँ पे फेल करते हैं अपना बिजनेस, यही नहीं पता कि मार्केट एंट्री कहाँ करनी है और मार्केट एंट्री कैसे किया जाता है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब कुछ मिलता नहीं, मैंने आपको पहले बता चुका, दुबई में मत भागो, दुबई का कॉन्सेप्ट बहुत अलग है। दुबई में इतना माल, जितना आप एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हो ना, उससे ज़्यादा दुबई में एक्चुअली अवेलेबल ऑलरेडी स्टॉक में पड़ा हुआ है। जो इंडिया की परचेजिंग होगी ना, आपको वहाँ तक पहुँचने के, मान लो सपोज करो 100 रुपीज़ का कॉस्ट आता है कि आपकी बाइंग एक प्रोडक्ट कोई भी, और आपकी बाइंग और टिल दुबई तक, जबलाली तक पहुँचने में 100 रुपीज़ का कॉस्ट लगता है इन केस। तो दुबई में ऐसी चीज़ है कि आपको 95 में मिल जाएगा, 90 रुपीज़ में मिल जाएगा, इतना स्टॉक अवेलेबल है। तो ऐसी चीज़ों के बाद दुबई यूज़ कैसे करना है, दुबई का री एक्सपोर्ट पर्पज़ के लिए, या तो कौन से टाइम पर क्या भेजना है, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आपको ये तक नहीं पता कि स्कैम कैसे होते हैं, कोल्ड स्टोरेज में स्कैम होते हैं, तो इसके ऊपर आप फोकस करना कि कैसे क्या है। दूसरा है कि आप कहीं से भी सीखते हो ना, ऑलवेज रिमेम्बर कि उनसे पूछो कि जो आपने ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियो बना चुके हैं बायर्स फाइंडिंग में या इसके, तो उस कोर्स कंटेंट में आपको नया क्या सीखने को मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपका राइट है पूछना कि जो आपके ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियोज है उससे नया क्या सीखूंगा मैं, या ऑलवेज आपको पूछना है। और दूसरा पर कहाँ पे फेल होते हैं कि आप सिर्फ टाइम वेस्ट करते हो कि मेरे को डेटा मिलेगा तो ही मैं काम स्टार्ट करूंगा, मेरी कंपनी होगी तो ही मैं स्टार्ट करूंगा। अरे वर्क एज अ फ्रीलांसर, वर्क एज अ एजेंट, वर्क एज अ, क्या आप छोटे छोटे कंपनीज को कैप्चर कर सकते हो कि आई कैन वर्क फॉर यू इन अ स्मॉल इन्वेस्ट वो अमाउंट के साथ, कि आप सैलरी वगैरह। अब बहुत चीज़ें, बहुत ऑप्शन है, बिजनेस बेस करना है तो सिर्फ लीड्स के पीछे मत भागो कि हाँ लीड्स मिलेगी तभी काम करूंगा, क्योंकि आपको वेज ही नहीं पता है। और लीड्स आप खरीदते, लोग बोलते हैं पोर्ट का लीड्स है, ये है वो, अरे सारी चीज़ें फ्री में कैसे निकालती है, उसके ऊपर फोकस करो ना कि डेटा कभी ख़त्म ही ना हो। तो ये तो है एक बिजनेस फेल के लिए। अब कंपनीज फेल क्यों होती है, या तो कंपटीशन के कारण हो सकती है, ठीक है, या तो राइट एम्प्लॉयज के कारण, अब लाइक आपको पता नहीं राइट एम्प्लॉय कैसे चूज करना है। वो इंटरव्यू में बैठा हुआ है, आपने 2-4 क्वेश्चन पूछ लिया कि पास्ट एक्सपीरियंस बताओ, मैंने इस कंट्री में काम किया, यहाँ किया, वैसे किया, आप ऐसे काम क्यों करवा रहे हो, इंटरव्यू ले रहे हो? आप किसी कंपनी में हो, आप सिंपल से बोलो कि आधा एक घंटा लो और मुझे इस प्रोडक्ट का पूरे डिटेल निकालो, कि प्रोडक्ट की नॉलेज निकालो और बायर फाइंडिंग का लिस्ट निकालो 1 घंटे में। ऐसे क्यों नहीं इंटरव्यू लेते? देर जानता हो कि एक प्रोसीजर होता है कि इंटरव्यू लेने का, बट अगर मुझे किसी को हायर करना है ना, तो मैं उन बातों पर नहीं जाऊँगा कि उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस, विच इज़ गुड थिंग कि पास्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए, बट अगर वो बायर फाइंडिंग में वही पॉइंट रिपीट करेगा ना, तो कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि वो नया चीज़ कहीं से कुछ सीखा नहीं है, वही पुराने मेथड्स ला रहा है। तो इसके ऊपर ध्यान देने के। और जो कंपनीज होते हैं ना, स्मॉल स्केल कंपनी जो होती है, वो R&D पे फोकस ही नहीं करते, वो एक दो क्लाइंट मिल गए बस उन्हीं के ऊपर करते रहते, रिपीट ऑर्डर्स उसके ऊपर, उससे बिजनेस नहीं बढ़ता है। और बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं इसमें, तो इसके ऊपर आने वाली वीडियोज में कभी देखेंगे कि कैसे क्या होता है। आई होप आपको कुछ नया सीखने को लगा होगा कि आपको किस बातों पर ध्यान रखना है, कहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है और कैसे फेस करना है। इसका सोल्यूशन आने वाली वीडियोस पे बताऊंगा कि कैसे ऑर्डर्स लेते हैं, कैसे क्या चीज़ें होती हैं। आई होप ये वीडियो का कुछ सेंस बना होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ ग्रेट डे। कुछ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।